हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपका राजस्थान सफारी में। और ये देखिए, सुबह सुबह मेरा दिमाग उठते ही इससे डिस्टर्ब हो गया था। ये मेरा ट्राइपॉड जो है, ये शिवांश ने तोड़ दिया था, पहले भी तोड़ दिया था, उसको मैंने बांध रखा है और अभी दोबारा से तोड़ दिया था उसने। तो दोबारा तोड़ने के बाद में फिर से एक बार एक जुगाड़ लगाया। हम इंडियन जो हैं वो हर चीज़ में जुगाड़ लगा ही लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करके उसको रिपेयर कर ही लेते हैं घर की चीज़ों से ही। तो मैंने इसको एक धागे से, मतलब जो कपड़े से एक लीर जो होती है ना, वो फाड़ के और उसको बांध दिया। देखो, तो ये दूसरी बार मैंने इसको रिपेयर किया है। फर्स्ट टाइम इसने तोड़ दिया था जब रिपेयर किया, अब सेकंड टाइम तोड़ दिया तो रिपेयर किया, और यहाँ से अभी भी टूटा हुआ है। यहाँ से एक पेज था वो निकल गया है, तो वो पेज अभी मुझे इसके साइज़ का मिला नहीं। मैं फिर से कहीं करती हूँ जुगाड़, कहीं से मिलेगा तब लगाती हूँ। देखिए, इस साइज़ का छोटा सा पेज चाहिए जो कि इसमें फिट आ जाए, तो पेच नहीं मिलेगा जब तक मुझे ये बहुत संभाल के और आराम से ही इसको उठा के यूज करना पड़ेगा। और मेरे पास ये सिंगल एक ही ट्राईपोड है, इसी से मैं सारे वीडियो शूट करती हूँ। अभी मैंने ज़्यादा खर्चा यूट्यूब में किया नहीं है, मन है दूसरा बड़ा वाला ट्राईपोड ले लूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा दिन और रुक जाती हूँ ये सोच के। काफ़ी कंजूस हूँ इस मामले में मैं, तो एक बार तो काम चल जाएगा, फिर देखते हैं क्या करते हैं। और यहाँ पर ट्राईपोड का जुगाड़ करने के बाद में उसको रख के, और मैं जो धोने के कपड़े हैं उनको निकाल दी हूँ, और एक ये सूखी नहीं थी कल सलवार, तो इसको यहाँ डाला था, ये सूख गई है। अभी इसको अपनी जगह पर अरेंज कर देती हूँ, और इसके बाद में मैं लगाने वाली हूँ इधर से पोछा। झाड़ू एक बार लग चुकी है, और पोछा लगाने के बाद नहा के मैं आ चुकी हूँ। पोछा लगाया और उसके बाद में कोई काम सूट नहीं किया, नहाने के बाद डायरेक्ट किचन में आई हूँ। किचन में लंच में काफ़ी लेट हो गया था, तो मुझे जल्दी जल्दी से बस चावल और रसम बनानी है आज। लंच में मैंने और कुछ ज़्यादा नहीं किया क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो चावल के लिए मैंने ये घी डाल दिया पतीले में, और अभी जीरा डाल दिया, जीरा राइस बनाने वाली हूँ। तो जीरा तड़कते ही इसमें पानी डाल दूँगी, पानी बॉयल होएगा तब तक मैं, मेरा कुछ और काम है साथ साथ में, वो करती रहूँगी। 15 मिनट में, 20 मिनट में मेरा ये लंच बनकर तैयार हो जाएगा इस तरीके से। कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हो कि काम ज़्यादा हो, टाइम कम हो और खाना बनाना हो, तो आप भी ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छी रहती है हेल्थ के लिए भी। रसम जो होती ना, वो बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, और जो लोग वेट लॉस का सोच रहे हैं वो रसम ज़रूर पिए, खाने के बाद में काफ़ी अच्छी रहेगी। रसम के लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं, पानी बॉयल होने के लिए रख दिया चावल का। साइड में 2 टमाटर जो है इनको कट कर लेती हूँ, इनको रफली कट करना है क्योंकि हम इनको बॉयल करने वाले हैं, तो ऐसे ही मोटे मोटे पीसीज में इनको कट कर लूँगी। और फिर बॉयल होने के बाद में इनके टमाटर के पीसीज सेपरेट करके, और फिर मैं इनको कट वो मिक्सर में डाल के पीसने वाली हूँ। तो इस तरीके से ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है और काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छी भी रहती है, और टेस्ट में भी बहुत ही सुपर है, समझ लीजिए हर दाल वगैरह सबसे अच्छी लगती है ये रसम। तो ट्राई करना आप रेसिपी, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसकी। टमाटर रख दिए हैं बॉयल रखने, मतलब बॉयल होने के लिए। अभी मैं इसके लिए प्याज कट कर लूँगी। इसमें एक ही प्याज ली है, ज़्यादा काफ़ी बड़ी प्याज थी तो उसका आधा पीस मैंने लिया है, और उसको इस तरीके से काट लिया है लंबे पीसीज में। और अभी इसका तड़का लगाने से पहले इमली और मैंने भिगोई थी, इमली पड़ती है रसम में, तो इमली को मैं उसका जूस जो होता है वो निकाल लेती हूँ, इसके डंठल वगैरह सब निकाल दूँगी, और जूस जो है एक कटोरी भर के छालनी में से छान के और फिर उसको रखने वाली हूँ, फिर इसको तड़के में यूज करेंगे हम।
यहाँ चावल बॉयल हो गए थे, तो चावल डालने मतलब पानी बॉयल हो गया था, उसमें चावल ऐड कर दिए हैं और अभी उसमें डाल रही हूँ नमक। जब भी चावल बनाएं सब्जी के साथ में खाने हो तो उसमें आप नमक बनाते टाइम, जीरा राइस में तो पड़ता ही है वैसे, अदर कोई चावल बनाए तो भी नमक डाल दें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं उस टाइम पे नमक डाल के। और यहाँ पर मिली का जो मैंने छलनी में छान के रखा था उसको मैं एक बार थोड़ा सा पानी डाल के और फिर से निकालने वाली, उसमें से थोड़ा सा जूस और निकल जाएगा इमली का। और ये जो डंठल वगैरह निकले हैं इनको एक बर्तन में निकाल के, और कचरा है ये इसको फेंक देंगे अभी। यहाँ वो टमाटर जो थे वो बॉयल हो चुके थे तो मैंने उनको टमाटर के पीसीस को अलग करके पीस लिया है, और थोड़ा सा उसमें इमली का पानी जो होता है ना वो ऐड कर दिया है, ठंडा पानी ऐड नहीं किया है, ज़्यादा पानी हो जाएगा फिर, तो इमली का पानी ऐड करके मैंने उनको पीस के रख दिया है। और टमाटर का जो पानी जिसमें बॉयल हुए थे उसको अभी भी पतीले में रखा है, वो बाद में हम सब्जी में ही ऐड कर देंगे जब हम रसम में तड़का लगाएंगे। तो रसम बनाने के लिए मैंने कढ़ाई जो है उसको रख दिया गैस के ऊपर। अभी इसमें सरसों का तेल डाल, पहले ये करेंगे सूखा मसाला सेक लेंगे, इसमें सरसों का तेल बाद में डालेंगे, सूखा तेल मसाला जो है ना वो इसमें पड़ता है उसको ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इसमें डाला है मैंने धनिया और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे इसमें, तो इसको थोड़ी देर के लिए वैसे ही भून लेना है, इसमें बहुत ही अच्छी एक खुशबू आने लगेगी, उसके बाद में हम गैस ऑफ कर देंगे। तो जीरा और धनिया डाल दिया, अब इसमें डालेंगे 3 से 4 लाल मिर्च सूखी जो होती है ना वो वाली मिर्ची, तो उसे क्या एक बहुत ही जो ट्रेडिशनल जो इसकी रेसिपी होती है ना उसमें बनाते टाइम ये मसाले हाथों हाथ प्रिपेयर करके हम डालते हैं तो इनका एक अलग ही टेस्ट आता है, एक अलग ही खुशबू होती है। जब भी आप बनाएं तो आप हाथों हाथ मसाले बनाएं, ये जीरा धनिया और मिर्ची जो है ये हाथों हाथ ऐसे ड्राई रोस्ट करके इसको आप पीस लें दरदरा और फिर सब्जी में ऐड करें, देखिएगा सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अभी कढ़ाई में तेल डाल दिया है और रसम में तड़का लगाने के लिए अभी मैंने इसमें राई, करी पत्ता और प्याज डाल दिए थे, उस टाइम पे कैमरा ऑफ हो गया था मेरा, ध्यान नहीं गया उस साइड, तो राई, करी पत्ता और फिर प्याज डाले हैं हमने। तो अब इनको सेक लेंगे हम, पूरा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए सेकना है बस, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जैसे सब्जी में करते हैं वैसा नहीं करना है, बस 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको ऐसे ही सेक लेना है, बस प्याज हमारी गलनी चाहिए। तो अभी प्याज गल चुकी है, अब इसमें जो हमने टमाटर प्यूरी बनाई थी ना, टमाटर को पीस दिया था, वो टमाटर ऐड कर देंगे। और अभी इसमें जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स तैयार किए हैं वो सारे 1 बाय 1 चले जाएंगे। तो ये टमाटर का जो पानी था जिसमें हमने बॉईल की थी, वो टमाटर का पानी भी इसमें मैंने डाल दिया है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा, सारा इसी के अंदर ऐड कर देंगे हम। और अभी जो हमने इमली का पानी जो बनाया था वो भी इसमें ऐड करने वाले हैं, और कुछ मसाले जाएंगे इसके अंदर, जो घर में डेली यूज में जो मसाले यूज होते हैं वही मसाले जाने वाले हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। और एक हमने जो मसाला अभी तैयार किया वो इसमें डालने वाले हैं हम। तो
तो सबसे पहले हमने डाल दी है इसके अंदर हल्दी, और हल्दी, नमक और मिर्च तीन चीज़ें इसके अंदर जाती हैं। तो मिर्ची थोड़ी सी बाद में डालेंगे कलर के लिए, क्योंकि हमने इसमें भी ये सूखा मसाला तैयार किया था ना, इसमें भी मिर्ची डाल रखी है। और अभी ये जो इमली का पानी बच गया था, वो वाला इमली का पानी भी इसमें डाल दिया है। और अब इसमें बस नमक और रेड चिली पाउडर बचा है, और थोड़ा सा ये रसम पाउडर मैंने, अगर आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं है तो आप जो सूखा मसाला तैयार किया उससे भी काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो मैंने, मेरे पास रसम पाउडर था, मैंने वो भी डाल दिया। रसम पाउडर और ये सांभर मसाला पाउडर, ये मैं बनाती रहती हूँ, साउथ इंडियन डिशेज़ तो मैं रखती हूँ। तो अभी डाल दिया है रेड चिली पाउडर। वैसे रसम पाउडर का ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम ये जो सूखा मसाला हमने तैयार किया ये डाल देते हैं, तो अगर आपके पास ना हो तो आप वैसे भी बना सकते हैं। अभी डाल दिया है नमक, अब इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे, बाद में इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे बस, और हमारी रसम बनकर हो जाएगी तैयार। और इसमें जैसे ही बॉयल आएगा, इसमें एक नेचुरल कलर आ जाएगा, देख सकते हैं बॉयल आने के बाद में इसमें कितना अच्छा कलर आ चुका है। और लोहे की कढ़ाई में बनने से ये और भी टेस्टी बन रही है। तो अभी इसमें बस धनिया पत्ती ऐड करेंगे और रसम हमारी बनकर तैयार है। तो यहाँ पर लंच मेरा जो था वो बनकर तैयार हो चुका था, तो मैंने सोचा मैं प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर देती हूँ। और मैं हमेशा ऐसे ही, जैसे ही मेरा खाना बन जाता है, मैं प्लेटफॉर्म, गैस, कुकटॉप सब क्लीन करके उसके बाद में ही खाना सर्व करती हूँ। और मेरा मतलब मैं बाद में ही खाती हूँ, अगर हस्बैंड और बच्चे खा रहे होते तो उनको पहले डाल के दे देती हूँ, और पहले फिर प्लेटफॉर्म क्लीन करती हूँ, गैस क्लीन करती हूँ, उसके बाद में खाना खाती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर नैनी के पापा भी आ चुके हैं, तो इनको आते ही बस किचन में ही आना होता है, ये पहले चेक करते हैं क्या बना है आज। तो आ गए हैं किचन में और अपनी जो कुकिंग है उसको ट्राई कर रहे हैं। कुकिंग वैसे सारी हो चुकी है, बस इनको ऐसे एक करछी चला के भी काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी अच्छा लगता है इनको इससे भी। तो अब रसम बन गई थी लोहे की कढ़ाई में, उसको ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, अब उसको बर्तन में दूसरे में निकाल लेंगे, क्योंकि लोहा जो होता है वो अपना कलर छोड़ता रहता है बार बार, और खट्टा है इसमें तो और ज़्यादा छोड़ेगा। तो इसलिए मैंने कढ़ाई जो है उसको खाली कर लिया है। अब बच गया है चावल, तो चावल भी चेक कर लेते हैं क्या कुछ कंडीशन है चावल की। तो चावल भी है बनकर तैयार, अब खाना परोस देते हैं और हम कर लेते हैं लंच। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? और दोपहर का बज गया है 1:30, अभी लंच हुआ हमारा, खाना पीना अभी ख़त्म किया, और अब जा रहे हैं छत के ऊपर। नैनी के पापा ऑलरेडी जा चुके हैं, तो मैं भी जा रही हूँ छत पे। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया था हमने काफ़ी देर पहले, जब खाने की तैयारी कर रही थी तब से। तो अभी जाके छत पे, और फिर देखते हैं क्या करते हैं। छत पे बैठेंगे, थोड़ी देर धूप आई है, काफ़ी अच्छी धूप है,
वैसे मन नहीं था धूप में बैठने का, लेकिन नैनी के पापा है ना, वो रोज जाके छत पे बैठ जाते हैं, तो उनके कारण हम लोगों को भी जाना पड़ता है। पूरी धूप जो है ना वो चेहरे पर पुत गई है, देख लो पूरा धूप जो है ना उसका सेवन हमने किया, ढंग से किया, धूप छोड़ी ही नहीं, जब से धूप आने लगी तब से धूप को छोड़ा ही नहीं, सारी धूप खा के बैठे हैं। तो अब चलेंगे छत पे, शिवांश भी गया है, मैं लॉक लगा देती हूँ, बच्चे भी गए, सॉक्स सॉक्स नहीं ली मैंने, सॉक्स नहीं पहनी है, सॉक्स ले लेती हूँ पहले। और ये टॉवल डालना है छत के ऊपर, कपड़े वैसे धोती नहीं हूँ लेकिन धो दिए आज, क्योंकि बच्चे जो आए थे ना वो जाने वाले हैं और उनके कपड़े धोने के काफ़ी हो गए थे, तो मैंने सोचा धो ही देते हैं, फिर उन लोगों के गंदे भेजने का मेरा मन नहीं था, गंदे कपड़े डाल के मैं भेजूँ। फिर लोग लग चुका है, अब चलते हैं छत के ऊपर, एक और है ये और कर दूं। सो गया, बड़ी जल्दी नींद आई है। हाँ बिछा ले, बैठे बिछा दे, मिक्स आ गए। हाँ थर जाए पीछे, संडे नहीं ये भी दूंगी, दो के पा दर जाएंगे नीचे। बस मैंने क्या लेनी ही, छांत पे आऊँ ही बनी मैं। और ये शाम के तकरीबन 4 बजे होंगे, 4 बजे के करीब हम छत पे दोबारा आए हैं, उस टाइम आए थे फिर सो गए थे, फिर 3 बजे वापस नीचे चले गए थे, क्योंकि मैं नीचे चली गई थी, बच्चे फिर 3 बजे के लगभग गए थे, मैं 2:30 बजे के लगभग चली गई थी क्योंकि नैनी आ गई थी, उसको खाना खिलाना था ना। फिर आए हैं दोबारा 4 बजे के करीब, कपड़े उतारेंगे, थोड़ी देर बच्चे खेल लेंगे यहाँ पे, और मैं यहीं से कपड़े फोल्ड करके मेरा नीचे लेके जाऊँगी, और फिर उसके बाद में नैनी की स्टडी वगैरह होगी और डिनर वगैरह वहीं फिर प्रिपेयर करेंगे। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नीचे जाके, ठीक है। हेलो जी, गुड इवनिंग, और शाम हो चुकी है, कपड़े वगैरह उतार के नीचे आके सेट कर दिए हैं, अब करनी है शाम के खाने की तैयारी, और बच्चे टीवी देख रहे हैं, बच्चे सब टीवी देख रहे हैं अंदर। मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, सुबह से आप लोगों से अच्छे से बात ही नहीं हो पाई, और कई दिन से सोच रही थी कि आप लोगों को बताऊं ये वाली बात, लेकिन फिर भी टाइम भी नहीं मिला और कुछ थोड़ा सा उठा पटक भी इतनी चल रही थी लाइफ में, नहीं बता पाई, तो अब बता देती हूँ। वो क्या है ना कि हम लोग रुद्रपुर से ट्रांसफ़र हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है लाइफ, जिसके कारण से व्लॉग्स भी डेली अपलोड नहीं कर पाती, थोड़ा सा लाइफ में शेड्यूल में नहीं है, समझ लीजिए शेड्यूल नहीं बन रहा है हर चीज़ का, थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, टेंशन वाला माहौल चल रहा है, और रुद्रपुर से जाना पड़ रहा है, इनका ट्रांसफ़र होएगा, ट्रांसफ़र सूरत के भी चांसेज हैं, और यहाँ से 2 घंटा है अभी, वहाँ पर भी हमारी कुछ जॉब की बात चल रही है, वहाँ पर भी यहाँ से 2 घंटा दूर है वो स्टेशन, तो वहाँ की बात हो रही है, वहाँ पर भी हम लोग सेकेंड जॉब का ऑप्शन है, वहाँ कर सकते हैं, और थर्ड हमने ऑप्शन रखा है, एक और है, कन्फ्यूजन है अभी उसमें, आप लोगों के सामने क्लियर नहीं करूँगी, तो देखते हैं, तो चल रहा है बस, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, जॉब की बात है, जॉब से ही सब कुछ होता है, घर चलता है सबका, नौकरी है तो थोड़ा टेंशन वाला तो बनता है ना, टेंशन तो चलती है इसके कारण से, और दिमाग भी एकदम मस्त व्यस्त रहता है इस चीज़ के कारण, तो बस यही थी, चल रहे हैं देखते हैं क्या होता है, और हाँ मार्च तक, मार्च है हमारा लास्ट यहाँ उत्तराखंड में, मार्च तक हो जाएगा कंफर्म, मार्च 1, 10 मार्च तक, नैनी के एग्ज़ाम भी यहाँ नहीं दिला पाएंगे, फाइनल टर्म्स जो होंगे ना, फाइनल के एग्ज़ाम होंगे वो नहीं दिला पाएंगे, स्कूल में बात हुई है, देखते हैं वो अगर सर्टिफिकेट दे देंगे इसको, थर्ड में प्रमोट कर देंगे, थर्ड में हो जाएगी क्योंकि सेकंड क्लियर होगी अब इसकी, तो वो कह रहे हैं कि कर देंगे वो बिना एग्ज़ाम दिए सर्टिफिकेट वगैरह कुछ ऐसा कर देंगे, तो फिर वहाँ जाएंगे और वहाँ से रेगुलर रहूँगी,
और यहाँ देखूंगी कैसे क्या हो रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर अब ये व्लॉग ज़्यादा लंबा भी नहीं करूँगी। सुबह से स्टार्ट किया हुआ था, अभी काफ़ी लंबा हो चुका है। अब खाने में बनेगी खाली दाल और रोटी। अभी जस्ट किचन में जाके खाना वाना बनाना स्टार्ट करूँगी, और हस्बैंड आने वाले हैं तो दाल वगैरह तो बना के रख देती हूँ, आटा लगा देती हूँ। और मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ठीक है, ध्यान रखना अपना। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन के साथ में ऑल पर सेलेक्ट करके। और हो मेरे पुराने वाले सारे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक प्रेस कर देना वीडियो देखते ही। ठीक है, बाय।